नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। और नया आदेश लेकर फिर आ गया हूं दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल 22/6/2022 दोस्तों, क्रमांक बटे समन्वय बी विंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 1/2022/193। और ये डेट है जो कि आज की डेट है 22/6/2022 और प्रति है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी बटे DDO मध्य प्रदेश, समस्त नोडल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विकासखंड मुख्यालय मध्य प्रदेश, विषय 27 जून 2022 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सूचना एवं एजेंडा बिंदु, बहुत सी बिंदुओं पर चर्चा की गई। ये वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, क्या मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नाम इसमें है या नहीं है, तो वीडियो आप जरूर देखिएगा पूरी। सबसे पहले 27 जून 2022 आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सूचना एवं एजेंडा बिंदु, विषय अंतर्गत दिनांक 27 जून 2022 को समय 4 बजे से 6 बजे तक NIC के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित एजेंडा बिंदुओं पर होगी चर्चा। नंबर 1, CM राइस विद्यालयों में स्कूल ग्रांट आरण एवं उपयोग की समीक्षा। नंबर 2, CM राइस विद्यालयों में नवपदस्थ बटे प्राचार्य उपप्राचार्य को विद्यालय के संपूर्ण परिवार हस्तांतरण के संबंध में चर्चा। CM राइस नंबर 3 है, CM राइस विद्यालयों में कैंपस 2 एवं कैंपस 3 में संचालित प्राथमिक बटे माध्यमिक विद्यालयों के मरम्मत एवं रंग रोगन के संबंध में चर्चा। नंबर 4 है, CM राइस योजना अंतर्गत विद्यालय की बिल्डिंग बनाने हेतु समस्त आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने की स्थिति में। नंबर 5 है, CM राइस विद्यालयों में अध्यापन की उचित व्यवस्था के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों का प्रस्तुतीकरण लेना है। बात करते हैं जो छठवां पॉइंट है, विमर्श पोर्टल में CM राइस विद्यालयों में नामांकन एवं फर्नीचर का अपडेशन होगा। सातवां है, मध्य प्रदेश ई सर्विस प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में दिनांक 28/2/2022 की स्थिति में मुख्यमंत्री COVID-19 विशेष अनुग्रह राशि योजना के लंबित प्रकरणों का समग्रता से निराकरण करवाते हुए मध्य प्रदेश ई सर्विस पोर्टल पर निराकृत की प्रविष्ट अंकित कर अवगत कराएं एवं अनुकंपा नियुक्ति के लंबित एवं न्यायालयीन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति। अब मैं आपको बता देता हूं, अनुकंपा नियुक्ति हालांकि अतिथि शिक्षकों का तो उस आदेश में जिक्र नहीं था, लेकिन अतिथि विद्वानों का था जिनकी COVID-19 में मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए जो भी राशि मिलना है और उनके घर परिवार के लिए अनुकंपा नियुक्ति मिलनी है, तो अगर वो नहीं मिली है तो उस विषय पर भी चर्चा होगी। आठवां है, विषय अंतर्गत संचालित हाई बटे हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिपिक भृत्य संवर्गीय अमलों के रचना क्रम में सुदृढ़ीकरण के संबंध में होगी चर्चा। और नवा पॉइंट, नवीन संवर्ग की वरिष्ठता सूचियों को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में भी चर्चा होगी। दसवां है, नवनियुक्ति शिक्षकों के वेतन भुगतान की स्थिति, जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित पत्र क्रमांक 4/6/2022 दिनांक 25/2/2022 के संदर्भ में भी चर्चा होगी। 11वां पॉइंट, प्राचार्य संवर्ग की वरिष्ठता सूची में फोटो अपलोड कराने एवं वरिष्ठता अभ्यावेदन निराकरण विषयक समीक्षा होगी। 12वां है, BIT यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। 13वां है, HCL कंपनी में स्कॉलरशिप एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या। 14वां है, जिला स्तरीय CCLE प्रशिक्षण उपरांत प्रत्येक शनिवार को बाल सभा संचालन। और 15 है, CM राइस शालाओं में प्रत्येक शनिवार को बाल सभा में UHV गतिविधियों का संचालन, CM हेल्पलाइन पर चर्चा। 16वां पॉइंट, 17वां है, संविदा शिक्षक बटे अध्यापक संवर्ग के नवीन संवर्ग में नियुक्ति से शेष रहे शिक्षकों की जानकारी, संभागीय स्तर पर खेल प्रशिक्षण उपरांत शालाओं में कराई जाने वाली खेल गतिविधियों की समीक्षा एवं निर्देश। 19वां है, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना अंतर्गत पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा उनके डिपो को पाठ्यपुस्तक निरंतर उपलब्ध कराई जा रही है, अतः समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी उनके विकासखंड की पुस्तकें निगम के डिपो से प्राप्त कर लें। और 20वां है, विकासखंड में पुस्तकों की प्राप्ति एवं उनका विद्यालय तथा छात्रों को वितरण एवं विमर्श पर इंद्राज की स्थिति, नवीन वोकेशनल कोर्सेज के संचालन की स्थिति होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक संचालक अनिवार्य रूप से संबंधित जिले के NIC कक्ष में उपस्थित रहेंगे। KK द्विवेदी हैं संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के, और इन्होंने दिनांक दिए 22/6/2022। लेकिन 21 बिंदुओं पर चर्चा की गई है दोस्तों, अतिथि शिक्षकों का नाम इसमें नहीं आया है।
और इसके लिए जो निर्देश हैं क्रमांक बटे समन्वय बी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 1/2022/194 प्रतिलिपि दिया है। विशेष सहायक माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल मध्य प्रदेश, निज सहायक आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, निज सहायक अपर परियोजना संचालक समग्र शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल, समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश, निज सहायक संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, मुख्य सुरक्षा अधिकारी मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल। कृपया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सहभागिता करने वाले अधिकारियों बटे कर्मचारियों को मंत्रालय में प्रवेश देने का कष्ट करेंगे। और श्री मयंक नगर प्रभारी अधिकारी NIC विंध्याचल भवन बेसमेंट भोपाल की ओर से भेजकर लेख है कि कृपया उक्तानुसार दिनांक 27/6/2022 को लोक शिक्षण संचालनालय शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे। समस्त अपर संचालक बटे सहायक संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक की ओर चर्चा के बिंदु के संबंध में कक्षवार जानकारी का फोल्डर अनिवार्य रूप से संबंध में कक्ष को उपलब्ध कराना एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान समय पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें एवं NIC के वल्लभ भवन में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित रहें। उप संचालक भंडार स्थानीय श्री हरिज्ञान शर्मा, वरिष्ठ निज सहायक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश और SDIT सेल की ओर से विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की ओर से सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यह थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की महत्वपूर्ण बिंदु और अतिथि शिक्षकों के आदेश के बारे में बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, तो उस पर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, जिसमें विस्तार से बताऊंगा कि नए सत्र में क्या क्या शर्तें रहेंगी अतिथि शिक्षकों के साथ। और कल एक आदेश भी आया था जो मैंने बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।